नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, कुछ और मस्त इंपॉर्टेंट टिक के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को और इसको इंजॉयफुल क्लास बनाते हैं और देखते हैं इसमें दोस्तों कुछ हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज में दोस्तों हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कराऊंगा जिस क्लास में। 10 मिनट का क्लास होगा, 10 मिनट से कम का क्लास होगा। तो दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो एवरेज में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एवरेज में जब दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक आता है तो समझिए कि यकीन आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस बेसिक आना चाहिए। तो दोस्तों बस आप अपने टाइम का बस 3 मिनट से 4 मिनट आप स्पेंड कर दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं आज के एवरेज में। मान लीजिए कि आप कोई काम एक दिन में कोई पेज लिखते हैं, एक दिन में मान लीजिए 2 पेज लिखे, कल 3 पेज लिखे, परसों 4 पेज लिखे, 5 पेज लिखे, 6 पेज लिखे। अगर कोई पूछ दे कि आप इतना औसत कितना, इसका औसत आप कितना औसत पेज को कितने पेज औसत लिखे, मतलब जो जितना लिखे उसका औसत कितना लिखे, तो आप क्या बताएंगे कि हम एक दिन में 1 लिखे 2 लिखे 3 लिखे? नहीं दोस्तों, आप उसका औसत बताएंगे जितना दिन, मान लीजिए एक दिन में 2 3 लिखे, तीसरे दिन चौथे दिन, तो उसका एक आप बीच का कोई अंक बताएंगे कि एवरेज मेरा इतना था। इतना मान लीजिए कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको सुनने में आता होगा कि कभी गौर किए होंगे या नहीं, अब गौर कीजिएगा कि सुनने में आता है कि मेरी जो गाड़ी है वो एवरेज 70 का एवरेज देती है, 20 का एवरेज देती है, 25 का एवरेज देती है, 30 का एवरेज देती है, 35 का एवरेज देती है। तो एवरेज होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए गाड़ी का आप मेंटेन करा दिए हैं, गाड़ी को आप चला रहे हैं अच्छे से, गाड़ी को आप बनवा बनवा दिए हैं, सब कुछ उसमें मेंटेन वेंटेन करा के रखे हैं। तो अगर गाड़ी को आप मेंटेन करा के रखे हैं तो आपको 40-50 की एवरेज में चलती है, मान लीजिएगा 40-50 की एवरेज में जाती है। अगर गाड़ी में कुछ खराब होगी तो दोस्तों 30 की एवरेज में जाएगी। अगर गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम होगी, गाड़ी सही होगी, तो फिर 60-70 की एवरेज में जाएगी। तो दोस्तों इस बीच में एवरेज जो जाती है तो आप क्या कहते हैं, ये तो कहते हैं कि मेरी गाड़ी 60 से 70 के बीच या 50 से 40 के बीच एवरेज देती है। कभी ये तो नहीं कहते हैं कि आज मेरी गाड़ी 30 का एवरेज देती है, 40 का एवरेज देती है, 50 का एवरेज देती है, 60 का एवरेज देती है। जब प्रतिदिन का एवरेज अगर आपका चेंज होता है तो आप एवरेज बताते नहीं है। एवरेज क्या होता है दोस्तों कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना दूरी तय कर रही है, जितना दूरी गाड़ी तय करती है वही उसका एवरेज होता है। तो आप कभी एवरेज ये नहीं बताते हैं कि आज हम कितना एवरेज चले, आज मेरी गाड़ी इतना एवरेज देती है, 40 का एवरेज देती है, 50 का एवरेज देती है, 60 का, 70 का, इतना तो नहीं बताते हैं। कोई भी एक आप यूनिट, मतलब कोई एक डिजिट आप उसको कन्फर्म कर लेते हैं कि मेरी गाड़ी इतने का एवरेज देती है, तो दोस्तों उतने का एवरेज देती है, वही आपकी गाड़ी की एवरेज हो गई। 30 की एवरेज देती है, 40 की एवरेज देती है। तो वैसे ही दोस्तों एवरेज का मेन फंडा यही है। मान लीजिए अगर खूब ज़्यादा संख्या दिया हो तो उसका कैसे एवरेज निकालेंगे, तो जो ज़्यादा संख्या दिया होता है उसमें कहीं ना कहीं बीच का, या उसको आप ऐड करके जितनी संख्या दिया है तो उसको काउंट करके आप एवरेज काउंट कर लेते हैं, तो आपका एवरेज फाइंड हो जाता है। तो आइए दोस्तों, मान लीजिए अगर दिया हो 2 3 4 5 और 6 और इससे आपको पूछे कि इसका एवरेज क्या है, इसका औसत क्या है, इसका एवरेज क्या है, तो इसका एवरेज क्या है दोस्तों, इसका एवरेज क्या है। आप क्या करते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 जो संख्या है इनको जोड़ देते हैं और क्या करते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 10 10 20 4। तो ये तो देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें एक और ट्रिक बन जाता है, ये बन जाता है दोस्तों कि अगर विषम संख्या आ रही है तो 1 2 3 4 5, तो इसकी बीच वाला एवरेज आ गया। तो एवरेज क्या हो गया दोस्तों, एक संख्या हो गई, किन संख्याओं का एवरेज क्या है, 4 है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो ट्रिक को देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, तो आइए दोस्तों ट्रिक देखते हैं। ट्रिक आपको फर्स्ट दिख रहा है, सेकेंड दिख रहा है और थर्ड दिख रहा है, इस वीडियो में थर्ड ट्रिक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दे दे दोस्तों प्रथम एन सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इतना दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि अगर प्रथम एन सम संख्याओं दे दे तो उसका औसत क्या होता है। तो दोस्तों इसका औसत का फार्मूला होता है n+1। अब देखिए दोस्तों इसको हम बताते हैं एग्जाम्पल लेके, मान लीजिए अगर दे दिए कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो दोस्तों इसमें प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 50n की जगह 50+1 51 हो जाएगा। अगर दे दे दोस्तों यहीं पे कि प्रथम, मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको दे दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 और +1 कर देंगे तो 21 हो जाएगा।
अन संख्याओं का अगर प्रथम अन संख्याओं का अगर योग पूछे तो आपको बस इतना सिंपल सा करना है कि जो संख्या दिया अगर सम में पूछे तो एक ऐड करके वही संख्या लिख देते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, सम वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड वाले टिक में। सेकेंड वाला टिक कह रहा है कि प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एन विषम संख्याओं का औसत के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, मैं इसका टिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत एन ही होता है दोस्तों, इसका एन ही होगा। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लेकर दे कि प्रथम या फर्स्ट 59th ऑड नंबर, ऑड नंबर का औसत क्या होगा, फर्स्ट 59 ऑड नंबर का औसत क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा 59 ही होगा। अगर कह दे दोस्तों कि फर्स्ट 61 ऑड नंबर का यू ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा दोस्तों, तो प्रथम 61 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा दोस्तों, 61 होगा। सिंपल सा, तो इतना दिमाग में रखिएगा कि दोस्तों अगर प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत पूछे तो संख्याओं का विषम में आप क्या करेंगे, विषम में वही संख्या हो जाती है जितना पूछता है वही उसका मान हो जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया, प्रथम सम संख्याओं का औसत भी आपको क्लियर होगा कि n प्लस वन होता है, प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n होता है। बस इतना दिमाग में रखना है कि सम आ जाए तो क्रिएट कर देंगे, विषम आ जाए तो वही संख्या हो जाएगी। दो तो क्लियर हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थर्ड आते हैं दोस्तों, इससे भी एग्जाम बहुत एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, एसएससी बैंक की रेलवे जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे प्रिपरेशन करें, ये तीनों टिक से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, हम कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अब आते हैं दोस्तों कि अगर प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके लिए फार्मूला क्या है दोस्तों, सब्र कीजिए बता रहा हूँ। इसके लिए फार्मूला होता है एन प्लस वन अपान टू, दिमाग में रख लीजिएगा कि एन प्लस वन अपान टू होता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, तो एन प्लस वन अपान टू। तो आपको कह दे, मान लीजिए अगर कह दे कि फर्स्ट या प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे दे, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे आप, एन की जगह फाइव रखेंगे, प्लस वन कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा दोस्तों थ्री। अगर कह दे कि फर्स्ट सिक्स प्राकृतिक संख्याओं का औसत नेचुरल नंबर क्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, तो सिक्स प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सिक्स प्लस वन कर देंगे और ये हो जाएगा दोस्तों सेवन अपान टू, ये हो जाएगा 3.5। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि अगर देख लीजिए कि सम संख्याओं का औसत पूछे तो एन प्लस वन, विषम का पूछे तो एन होता है, अगर एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो एन प्लस वन अपान टू होता है, लर्न कर दीजिए, अगर एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो एन प्लस वन अपान टू, एन सम संख्याओं का औसत पूछे तो एन प्लस वन, एन विषम संख्याओं का औसत पूछे तो एन ही होता है। तो तीनों क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, जो प्राकृतिक संख्याओं का औसत है वो एन प्लस वन अपान टू फार्मूला मेरा सही है कि नहीं, तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। मान लीजिए कि दे दे कि प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आपको पता है दोस्तों प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, ये तो आपको पता है, नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर होता है, होल नंबर जीरो शुरू होता है, तो नेचुरल नंबर वही दे रहा कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का एवरेज, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती है तो प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट पांच प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या वन से शुरू होती है, वन टू थ्री फोर और फाइव, फोर और फाइव हो गया, एक दो तीन चार पाँच हो गया। अब दोस्तों इसको आप ऐड कर देंगे, वन टू थ्री, तो इसको ऐड करेंगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव अपान वन टू थ्री फोर फाइव है, तो फाइव से आप डिवाइड कर देंगे, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका इसमें जब ऐड करेंगे तो पाँच दो पाँच दो सात तीन दस और पाँच पंद्रह आ जाएगा, पंद्रह आ जाएगा और पाँच आ गया दोस्तों तीन। और फार्मूले से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला होता है एन प्लस वन अपान टू, एन की जगह पाँच रखेंगे, वन कर देंगे, टू कर देंगे, सिक्स अपान टू इक्वल थ्री आ गया। एक और देख लीजिए, अगर पूछ दे कि यहाँ पे हम दे देते हैं, अगर पूछ दे आपको कि छह प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत, छह प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत दे दे तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए क्या करेंगे, छह प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत पूछे तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए हम बेसिक से सॉल्व करते हैं, एक दो तीन चार पाँच और ये छह हो गया प्राकृतिक संख्या, इसको आप ऐड करेंगे एक दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः या पाँच छः से डिवाइड करेंगे, जितनी पूछते हैं उसे डिवाइड करते हैं, ये हो गया दोस्तों
एक दो तीन, तीन छः चार दस, पाँच पंद्रह, पंद्रह छः क्या होता है दोस्तों, पंद्रह छः इक्कीस होता है, इक्कीस अपन छः कर देंगे, छत्री अट्ठारह हो जाएगा, और छत्री अट्ठारह हो जाएगा दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो छत्री अट्ठारह और ये हो जाएगा छः चार दस, दस दस सात एक बीस, इक्कीस छत्री अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बता छः छः चौबीस, छः पच्चीस, छः पच्चीस तीस, 3.5 आ गया। इसको जब फार्मूला सॉल्व करेंगे तो एन प्लस वन अपॉन टू करेंगे, एन की जगह सिक्स रख देंगे, वन अपॉन टू कर देंगे तो सेवन अपॉन टू इक्वल थ्री, सही फाइव आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया, मैं कोशिश किया समझाने के लिए, अगर नहीं समझ में तो वीडियो के एक बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ही दिमाग में घुस जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो हर बच्चे के पास पहुँच जाएगा जिसके लिए प्रॉब्लम होती है। और अगर आप चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपके आपके इस चैनल पर ऐसे ही मैथ के ट्रिक्स और इंग्लिश के ट्रिक्स आपको हमेशा मिलते रहते हैं, प्रतिदिन मिलते रहते हैं। और तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ, बने रहिए वीके स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ।